फ्रेंड्स वेलकम टू माई वर्षा रेसिपी चैनल। शाम को हर बार यही होता है कि क्या सब्ज़ी बनाएं। तो आज जो भी घर में है उसी से हम सब्ज़ी बनाएंगे, लेकिन बढ़िया से बनाएंगे। इसके सामने तो नॉन वेज भी फेल है, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो सब घर वाले भी पसंद करेंगे और इसकी सुगंध इतनी बढ़िया से है कि बाजू वाले भी आपको पूछेंगे कि आपने क्या बनाया। तो इसके लिए हमने लिया है प्याज और ये लहसुन, साथ में 1 टीस्पून इतना धनिया, ये मैंने रोस्ट करके रखा है। तो इस तरह से हमने लिया है। अब ये चलते हैं गैस की तरफ। इसके साथ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून कोकोनट, डेसिकेट कोकोनट मैंने लिया। अगर नहीं होगा तो आपके पास जो होगा उसे आप कद्दूकस कर दीजिए तो भी आप ले सकते हैं। अभी हमने कढ़ाई रख दी है, लहसुन धनिया और प्याज से हम डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से भूनेंगे। इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। अब इसे चलाते हुए हमें इस तरह से भुनेंगे। अभी देखिए प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, तभी हम इसमें डालेंगे कोकोनट, डेसिकेट कोकोनट डाल देते हैं और इसे वापस हम चला लेते हैं। अगर पहले डाल देते हैं तो ये डेसिकेट कोकोनट जल जाएगा। गैस का फ्लेम करते हैं और इसे हम इस तरह से भूनते हैं। ये भुनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, अगर ज़्यादा भुन गए तो कड़वाट आ जाएगी। इस तरह से देखिए अभी गैस का फ्लेम ऑफ किया है, फिर भी ये अच्छी तरह से भुन गया है। तो अभी इसे हम निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। अभी 1 कटोरी जितना हमने चने का आटा लिया है, तो अभी इसमें हम डालते हैं नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, हींग, लाल मिर्च पाउडर। मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ स्पाइसी बिल्कुल कम खाते हैं। आप यहाँ अगर ज़्यादा खाते हो तो आप इसी हिसाब से डाल सकते हो। और थोड़ा मैं डाल रही हूँ धनिया, इसे हम पहले मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी इसे मिक्स कर दिया है तो इसमें डालते हैं तिल का मोया, लगभग मैंने 2 टेबलस्पून जितना तिल का मोया डाला है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो इसमें आप गरम मसाला भी डाल सकते हो, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसी तरह से भी बना सकते हो। अभी इसमें ऐसे हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे डो बनाना है। इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा। अभी मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला है तो इसे मैं अच्छी तरह से मसल लेती हूँ। देखिए इस तरह से हमने डो बना लिया है, ना ये ज़्यादा सख्त है ये ना ज़्यादा नरम है। अभी इसको लेके हम इस तरह से रफली तोड़ देंगे, ना हमें इसे डिजाइन बनानी है, बस ऐसे ही हम गोले को तोड़ते हैं, नहीं इस तरह से हम तोड़ देंगे। छोटे बड़े जैसे भी होते हैं उसको कोई ये नहीं कि आप इसी तरह से बनाओ, आपको जैसे ही पसंद है। बस इस तरह से तोड़ लिया, थोड़ा चपटा कर दिया या ऐसे ही रख दिया इस तरह से। मैं इस तरह से सभी गोले को तोड़ लेती हूँ। इससे भी बहुत सारा हमारा रेसिपी बनेगी। देखिए इस तरह से हमने तोड़ लिया है, छोटे बड़े जैसे भी हाथ में है उस तरह से हमने तोड़ लिया है। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अभी मैंने तेल रख दिया है। तो इस तरह से गैस का फ्लेम थोड़ा हाई टू मीडियम, स्लो टू मीडियम रखेंगे। हाई में तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा तो बीच में से कच्चा रहेगा, तो इसे हमें जितने भी आसानी से आते हैं उतने हम डालेंगे।
मैंने पहले ही थोड़ा तेल लिया, क्योंकि वो ज़्यादा फिर वो तला हुआ तेल वैसे के वैसे रहता है, उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो जितना इनफ है उतना ही हम करेंगे। थोड़ी देर लग सकती है पकाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा तेल वेस्ट नहीं होगा। तो अभी इसे हम जितने भी आसानी से आए उसे हम होने देते हैं। अभी इसे हम टर्न करते हैं इस तरह से, जितने भी हमने डाले वो टर्न करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे। देखिए उलट पलट करके इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए, ये देखिए। तो इस तरह से मैं पूरा निकाल लेती हूँ और जो बचे हैं वो डाल देते हैं। तब तक प्याज और ये हमने जो किया है वो ठंडा हो गया है, तो इसे हम मिक्सी में चला लेते हैं। अभी देखिए बेसन का हमारा इस तरह से अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है, साथ में हमारा मसाला भी इसके रेडी हो गया। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी कढ़ाई हमने रख दी है, तो इसमें डालते हैं ऑयल। अभी इसमें डालते हैं आधा टीस्पून इसमें राई, इसके साथ डाल रहे हैं हींग, एक सूखे लाल मिर्च ली है, इसे हमने दो पीस में डिवाइड कर दिया, वो डाल देते हैं। और जो हमने मसाला पीस के रखा है वो डाल देते हैं और इसे हम चला। साथ में डालते हैं थोड़ा सा धनिया और इसे हम चला। अभी इसमें डालेंगे सादा मिर्चा, नमक, हल्दी पाउडर और एक टेबल स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, इसे हम चला लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मसाले का पानी डालेंगे ताकि हमने जो मसाले डाले ना वो बिल्कुल भी ना जले। अभी इस तरह से हमने मसाले का पानी एक टेबल स्पून जितना डाल दिया है, तो अभी इसे हम इस तरह से हम चलाते हुए वापस पकाएंगे। देखिए अभी तेल रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो इसी स्टेप पे हम अभी इसमें पानी डालेंगे। अभी ये मैंने मसाले का पानी इस तरह से बना के रखा है, जो मैंने प्याज वो किया था ना इसमें, तो वो डाल देते हैं। वापस चला लेते हैं। इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी, क्योंकि देखिए कितना गाढ़ा है, पकेगा तो ये और गाढ़ा होगा, तो इसे हम और हमें ये बेसन का जो बनाया वो भी डालना है, तो अभी इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अभी इसे हम उबाल आने देते हैं।
इसमें देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है, हमें इसी तरह से चाहिए। तो अभी हमने जो बेसन के बनाए हैं वो डाल देते हैं। इसे हम चला लेते हैं और गैस का फ्लेम हम लो करेंगे और इसे हम कवर इस तरह से और स्लो आंच पे होने देते हैं। खुशबू बढ़िया से आ रही है तो चलो हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया से हो गए, इसके खुशबू बहुत ही बढ़िया से आ रही है। हाँ, क्या बात है, एकदम बढ़िया से बन गए हैं। ये जो हमने चने के आटे का डाला था वो भी एकदम फुल गया है। तो अभी इसमें डालते हैं धनिया, गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसे एक मिनट तक ढक के रखते हैं। लगभग आधा मिनट जैसा हो गया है तो हम कवर खोलते हैं। वाह, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितना बढ़िया सा है। आप इसका कलर देखिए कितना सुंदर है और खाने में तो लाजवाब है, नो डाउट। ये देखिए वाव, कितना सुंदर लग रहा है। अभी इसे हम सर्व करते हैं। अभी हम कर रहे हैं सर्व। एकदम गजब की रेसिपी। देखिए इस तरह से हमने सर्व किया है, ऊपर से डालते हैं थोड़ा सा धनिया। वाह, क्या बात है, सुंदर से रेसिपी, मुंह में पानी आ गया। अगर सब्जी ना होगी तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एकदम बढ़िया से। देखिए कितना, आपको उसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया सा है, खाने में तो एकदम लाजवाब है। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और इस तरह से ज़रूर बनाइए। बेसन की सब्जी यम्मी से बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर जिस दिन सब्जी नहीं होगी तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस तरह से बना दीजिए, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। धन्यवाद।